ज्यारत करता है और खासतौर पर शहीद शहदा की ज्यारत करता है, उसके गुनाह ऐसे जड़ जाते हैं जैसे दरख्तों से पत्ते जड़ गए। इसलिए कहा जाता है, और रिवायात बहुत सख्त हैं खासतौर पर करबला की ज्यारत के लिए, कि अगर इंसान कर सकता है, उसकी तौफीक में है, तो 4 साल में एक दफा इमाम हुसैन की ज्यारत करने जाए। वो शख्स आया इमाम के पास, इमाम ने पूछा कि तुम हमारे जद की ज्यारत पे जाते हो हफ्ते में? कहा मौला नहीं। कहा महीने में? कहा नहीं। कहा साल में? कहा मौला दूर है, आसान नहीं है जाना। कहा तुम अगर खुले आसमान के नीचे जाओ और अपने आप को रुख करो करबला को और 3 दफा कहो सल्लल्लाहु अलैका या अबा अब्दुल्लाह, सल्लल्लाहु अलैका या अबा अब्दुल्लाह, सल्लल्लाहु अलैका या अबा अब्दुल्लाह, तुम्हारी ज्यारत कबूल हो जाएगी। यानी हमें उन्होंने इतना आसानी दी है, क्यों दी है अज़ीज़ाने मोहतरम? क्योंकि वो हमारी खिलकत से वाकिफ हैं। इमाम को समझें, हम इमाम को नहीं समझते। हमने इमाम को बस ठीक है मजलिस में इमाम को सुन लिया, उसके बाद जिंदगी में घर में बस कोई कॉल पढ़ लिया, कोई देख लिया। इमाम मेरी जिंदगी में कहाँ है? इमाम मेरे सुबह और रोज में कहाँ है? इमाम का वजूद मेरे वजूद के साथ कितना अटैच है?